अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि सरकार ने एक बार फिर से ऐसे किसानों की लिस्ट तैयार की है जिन्होंने सरकार द्वारा जारी नियमों को फॉलो नहीं किया है। ऐसे किसानों को 19वीं किस्त का लाभ नहीं दिया जाएगा। सरकार तेजी से 19वीं किस्त के लाभार्थियों की सूची को अपडेट कर रही है। यदि आपने भी अभी तक 3 जरूरी काम नहीं किए हैं तो तत्काल करा लें, नहीं तो लाभार्थियों की सूची से आपके नाम बाहर हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि कौन है किसान जिन्हें योजना से बाहर रखने की तैयारी की गई है। आपको बता दें कि पिछले महीने ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 18वीं किस्त सरकार ने जारी की थी, जिसमें कुल 9,04,00,000 किसानों को ही योजना का लाभ मिल पाया था, जबकि पीएम किसान निधि के तहत लगभग 12 करोड़ किसान रजिस्टर्ड हैं। इन किसानों को योजना के लाभ से इसलिए भी वंचित कर दिया गया था क्योंकि इन्होंने सरकारी नियमों का पालन नहीं किया था। आपको बता दें कि पीएम किसान निधि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसकी निगरानी स्वयं पीएम मोदी करते हैं, इसीलिए किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा जो है वो योजना में बर्दाश्त के बाहर होता है। ग्राफिक्स के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि के लिए 3 जरूरी काम समझते हैं। अगर आप भी अगली किस्त यानी 19वीं किस्त का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवाना अनिवार्य है। साथ ही यदि आपने अभी तक भी EKYC नहीं कराई है तो तत्काल करा लें, यानी योजना के लाभ से वंचित कर दिए जाएंगे अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो। वहीं भूलेख सत्यापन कराना भी सरकार ने अनिवार्य किया है। यदि आप अभी तक नहीं कराया है तो तत्काल करा लें, क्योंकि अभी किस्त आने में लगभग 3 माह का समय है, इसलिए अभी लाभार्थियों में सूची में नाम जुड़ने की पूरी संभावनाएं हैं। दरअसल पीएम किसान योजना के तहत सरकार सालाना किसानों के खाते में 6,000 रुपये डालती है। ये रुपए प्रति 4 माह के अंतराल से किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं, यानी हर 4 माह में 2,000 रुपए की किस्त के रूप में किसानों को लाभ पहुंचाया जाता है। अभी तक योजना की 18 किस्त जारी हो चुकी है। अब 19वीं किस्त के लिए लाभार्थियों की सूची बनाई जा रही है। चूंकि सितंबर में योजना की 18वीं किस्त जारी हुई थी तो 19वीं किस्त जनवरी 2025 को जारी की जाएगी।